खुदावंत का रूह उसका आत्मा मुझे कह रहा है कि मेरे लोगों को बोल, मैं उन्हें चंगा करना चाहता हूं। आज चीनी स्पीड की ये प्रॉब्लम है, सखारा बाबा 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 नाहू संबनिया दले बे 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 बे। यीशु के नाम से सब अंधकार की ये पीठ की दर्द, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, शूट जा, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ। मैंने कहा आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ। मैं एक कोनी में बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं। मैंने कहा मैं एक कोनी, अगर मैं आपको खड़ा करूंगा तो बहुत लोग खड़े हो जाएंगे। खुदावंत का रूह उसका आत्मा मुझे कह रहा है कि मेरे लोगों को बोल, मैं उन्हें चंगा करना चाहता हूं आज। वो कहता मैं इन्हें चंगा करता हूं, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ जितने लोगों को ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा जो मैं बोल रहा हूं इसी चीज के लिए अपनी बुद्धि से ना होना। ऐसे नहीं है कि मैं पीठ की चीज बोल रहा हूं और आप सिर की चीज को लेकर खड़े हो जाओ। ये खुदा का प्रोफेटिक वर्ड। देखो ये देखो परमेश्वर आपके मन की बातें जानता है। बोलो क्या है? अगर लंगड़ा यहां पे है नहीं है, चारपाई वाला है नहीं है, तो परमेश्वर वही चीज देगा। बोलो क्या है? जो आपकी जरूरत है। हाथ रख लो, सबके सब आंखें बंद कर लो, सबके सब एक साथ, एक साथ। मैंने कहा एक साथ मैं इस दर्द को, इस अंधकार की दर्द को मैं आज्ञा करता हूं यीशु के नाम से, मैं आज्ञा करता हूं यीशु के नाम से, एक साथ छूट जाओ यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, चंगे हो जाओ। मैंने कहा चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, राइट नाउ। इसी समय ये अंधकार की ये दर्द आपको छोड़कर चली जाए। मैंने कहा चली जाए, चली जाए, चली जाए, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हील हो जाओ, छूट जाओ, चंगे हो जाओ। मैंने कहा हील हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। इसी समय मैंने कहा इसी समय चंगे हो जाओ, इसी समय आप चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। यस, और मैं शास करता हूं ऐसा हो चुका। मुझे पता है अगर आपने शास से रिसीव कर लिया है तो आप झूठ तो बोलोगे नहीं। हाँ, आप झूठ तो बोलोगे नहीं। अपनी बुद्धि से भी नहीं आना जिन लोगों को छू लिया है। अच्छा भाई, एक ही बार सबको छू लिया है? तारीफ करो उस खुदावंत की। मैंने कहा तारीफ करो जोर से, 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 आमेन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सच में महान है कि नहीं है? आपकी मन की बातों को वो जानता है कि नहीं जानता? हाँ, बोलो, जानता है कि नहीं जानता? उस लड़के को पूछो जो पीछे है, जिसने ब्लैक कलर का वो पगड़ी बांधी है। क्या नाम है आपका? आगे ले आओ उसे, साइड पे आ जाओ, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम? अशोक कुमार। अशोक कुमार है, कहाँ से आए आप? मुंदा से। आज पहली बार आए हो? पहली बार नहीं, इसी चर्च में आए हो कि पहले भी कभी गए? नहीं, मैं बजेंद्र पास्टर की चर्च में जाता था पहले। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, तो आज यहाँ पे आए हो? कितना टाइम हो गया आपको विश्वास करते? मेरे को विश्वास 3 महीने हो गए। अच्छा, 3 महीने। सत्य को समझना, सत्य को। हाँ, क्योंकि सत्य हमें आजाद करता है। क्योंकि जब तक हम सत्य नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि हीलिंग जो चंगाई है
वो सत्य पर टिकी है। अगर सत्य नहीं आप जानते तो हीलिंग, वो चंगाई, वो आशीष जाती रहेगी। समझ आ रही है? आज खुदावंद ने आपको क्या लगा, क्या शुआ है? मेरे को शुआ पीछे जब मेरा दर्द होता था ना, काम करता, हाँ हाँ, तो बहुत ज्यादा दर्द होता था, तकलीफ होती थी। कितनी दर्द होती थी? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब। यस। और आज खुदा के रूह ने आपको शुआ, शुआ आपने झुक कर देखा। हाँ जी, झुक कर दिखाओ। फिर से झुको। कोई दर्द नहीं, कोई रोग नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तारीफ करो जोर से। धन्यवाद करांगा मैं, मैंने यीशु ने छुड़ाया। सुनो, सुनो, देखो ये प्रोफेटिक वर्ड है। इससे बोलते हैं एक साथ, एक ही प्रॉब्लम के लोग एक साथ। ये है परमेश्वर की ग्रेस, ये है उसका प्रेम जो उसने आपसे किया है। अब आपने करना और उसमें पढ़ना है, ठीक है? मैं जानता हूं अगर आप सबकी एक ही प्रॉब्लम है, जैसे मैंने उसको क्यों पूछा, क्योंकि वो कहते हैं बहुत ज्यादा थे। मैं जानता हूं कि जितने भी लोगों को अगर आपकी सेम सबकी ये प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं कि आप फ्री हो, इसलिए आप आगे आए हो। जिसको ज्यादा लग रहा था वो आगे आए। जिसको ज्यादा लग रहा था आप में से, सिर्फ एक जिसको ज्यादा लग रहा, बहुत ज्यादा, वो एक, बस एक, वो अपने आप आ गया। जो जिसे बहुत ज्यादा परेशान था, जो बहुत ज्यादा परेशान था, माइक लेकर जाओ भाई। माइक आपके कहाँ है? हाँ ठीक है, इनको बोल दो, इनको भी। हालेलुया। तो प्रेरित जी, जिस सिस्टर बता रहे कि काफी लंबे समय से इनके बैक पेन में दर्द होती थी, जो थर्सडे की मीटिंग में आए थे और जो बता रहे कि जो इन्होंने भवन में सेवा कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, और समय इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर, जो मेरे बैक पेन में दर्द होती है, परमेश्वर में विश्वास करती हूँ कि इस दर्द के लिए भी परमेश्वर अपने दास के मन में आप लगा चुके हो। सुनो सुनो, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, जैसे आप तैयारी के साथ आओगे, बोलो आज के बाद जब भी आपने आना है तो परमेश्वर से प्रार्थना करके आना है। बोलो क्या आना है? देखो, जब जब वीरवार आए और ये सेवा कर रहे थे भवन में, क्या कर रहे थे, और इन्होंने ऐसे परमेश्वर से मांगा कि आप अपने दास के मुंह से मेरे लिए बोल चुके हो, मांगो तो क्या कहती है बाइबल, मांगो तो। सब बोलो पड़ोसी को, अपने को, मांगो तो उसने दे दिया है। मैंने कहा उसने आज दे दिया है। जोर से तारीफ करो, जोर से। हम जाते ने तूफान जदो यीशु बोलता, हम जाते ने तूफान जदो यीशु बोलता, हम जाते ने तूफान जदो यीशु बोलता। ऐसे तो मुझे पता एक घंटा लग जाएगा, ठीक है इनकी सुनते हैं। हाँ तो प्रेरित जी, जब बता रहे कि 10 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है इनके बैक पेन में दर्द होती है, और जब बता रहे कि जो नीचे झुक भी नहीं सकते, जिससे जो बहुत परेशान है, उन्होंने बहुत ज्यादा 10 साल से भी ज्यादा। और जैसे ही आज खुदा ने प्रोफेटिक वर्ड मेरे मुंह से दिया, क्योंकि जब परमेश्वर जिस चीज के लिए वचन भेजता, मुझे पता व्यर्थ ठहर कर परमेश्वर का मेरे पास आता, वो आता नहीं। धन्यवाद है कि अपने एक ही साथ सबने ऐसा विश्वास किया और परमेश्वर ने आपको डिलीवर किया है। आप फ्री हो पूरी तरह से, अब कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। तारीफ करो इन सब दवाइयों के लिए। तेरा पल्ला सूखे चंगी हो गईया, यीशु जी तेरा पल्ला सूखे चंगी हो गईया, यीशु जी तेरा पल्ला सूखे चंगी हो गईया। आमेन, आमेन। मुझे पता है सबके दिल में चाहत है कि मैं भी बोलूं, मैं भी बताऊं। हाँ ठीक है, मैं भी बोलूं, मैं भी बताऊं, ठीक है। अगर किसी की कुछ ज्यादा कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो फिर हम नेक्स्ट वीक सुनेंगे, ठीक है। परमेश्वर आपको बरकत दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन।